सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक और नया पीओडीडी जिसका नाम है इजी टास्क। ठीक है, नाम इजी है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, टैग भी उसका मीडियम है बट नाम ही इजी है, तो उसका मतलब वो इजी नहीं है। ठीक है, दिमाग लगेगा थोड़ा सा। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। ये बोल रहे हैं हमें कि हमें काफी सारी चीजें दी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें एक स्ट्रिंग देगा। ठीक है, लेट इट बी एस टी आर हमें एक स्ट्रिंग दे रहा है और साथ में एक वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रहा है जिसका नाम क्वेरीज है। अब इस क्वेरीज में दो चीजें हैं, इस क्वेरीज के अंदर दो टाइप की क्वेरीज हमें मिल सकती हैं। ठीक है, इसमें से पहली टाइप की जो क्वेरी है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे हमें मेंशनड है कि पहला जो उस क्वेरी का इंडेक्स होगा वो तो हमें ऑफ कोर्स बताएगा कि वो किस तरह की क्वेरी है। देन जो सेकंड है वो हमें बताएगा एक इंडेक्स। ठीक है, और थर्ड चीज उसके अंदर हमें एक कैरेक्टर देगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग के, जो हमें ये स्ट्रिंग दी गई है, इस स्ट्रिंग के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर जो भी कैरेक्टर था उसको इस कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये हमें काम करना है। ओके, समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। ठीक है, मेरे दिल ने कैसे सुन ली बातें मेरे दिम, ओ आई एम सॉरी, ये उठाना है हमें, ए बी ए बी, तो ए बी ए बी। ठीक है, तो ये हमने उठा लिए। अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान 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 से ध्यान से ध्यान से। तो कह रहा है हमें फर्स्ट क्वेरी हमने अप्लाई करनी है इस पे। तो फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट टाइप की क्वेरी है, ये हमें वन बता रहा है कि फर्स्ट टाइप की क्वेरी है। देन सेकेंड हमें बता रहा है कि इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स पे जाओ। हमने कहा ठीक है, ए जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे ए रखा हुआ है। ओके, देन वो बोल रहे हैं उसको रिप्लेस कर दो डी से। हमने कहा जैसा आप कहें मालिक, तो हमने ए को डी से रिप्लेस कर दिया। तो देखो हमारा ये नई एक स्ट्रिंग बन गई। ओके, अब उसके बाद वो हमसे क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे ये टाइप टू की क्वेरी है, क्योंकि टू हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, द टाइप ऑफ द क्वेरी इज टू। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। हमें क्वेरी का टाइप दिया है, लेफ्ट राइट और एक के दिया है। ठीक है, देखते हैं ये सब क्या है। भाई साहब, बहुत बहुत डरावना क्वेश्चन नहीं है ये, पहली बार देख के लगता है। ओके, इन दिस क्वेरी यू हैव टू रिटर्न के एच लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट कैरेक्टर इन द सबस्ट्रिंग ऑफ एस इफ इट इज द के एथ लार्जेस्ट कैरेक्टर इन सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द के एथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स लेफ्ट एंड एंडिंग एट राइट इंडेक्स, लेफ्ट एंड राइट आर इंक्लूसिव। तो हमसे कह रहा है डेटा टाइप सबके ही स्ट्रिंग है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे अभी। ओके, तो मैं यहाँ पे ढूंढ भी रहा था कि वट आर लेक्सोग्राफिकल कंपेयर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो ये शब्द बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, इसके अलावा नहीं भी पता होगा तो चल जाएगा। तो ओके, अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि सेकंड टाइप की क्वेरी है, लेफ्ट जो है वो फर्स्ट है मतलब, और राइट जो है थ्री है। तो वन से थ्री आपको उठाना है, ये जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, और टू से थ्री। तो हमारा जो ओवरऑल हमें ऑब्जर्वेशन बी डी बी पे देनी है। ठीक है, लेफ्ट से राइट तक, ओके इंक्लूसिव है। देन कह रहा है कि फर्स्ट लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग हमें लाके दो। तो पहले तो उसको सॉर्ट करो बी डी बी को। तो जब आप बी डी बी को सॉर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी बी डी। ठीक है, ये मिलेगा। लेकिन अब इसका फर्स्ट लार्जेस्ट लेक्सोग्राफिकली सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है, डी, क्योंकि वो सबसे बड़ा कैरेक्टर है ना इसके अंदर। तो डी हमारा आउटपुट हो जाएगा, और वही उन्होंने यहाँ पे आउटपुट में भी रखा हुआ है। ठीक है, आई होप एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ, अगला भी देखेंगे हम। ठीक है, अगले में हमसे कह रहा है हमें ट्रिपल ए दिया है। हमने कहा जी जैसा कहें। कह रहे फर्स्ट फर्स्ट क्वेरी है कि फर्स्ट टाइप की क्वेरी है, वन टाइप की, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके ई कर दो। हमने कहा जीरो और वन, तो हम ई कर देंगे, ए जीरो इंडेक्स था, ई कर दिया हमने फर्स्ट इंडेक्स को, और ए ऐसे ही रहा। हमने कहा कर दिया जी। ओके, उसने कहा फर्स्ट टाइप की क्वेरी है, अगली वाली भी सेकेंड इंडेक्स पे जाके सी कर दो। हमने कहा अरे जैसा आप कहें मालिक, जैसा कहें। ठीक है, तो अगेन ए ई सी कर दिया हमने। ठीक है, देन कह रहे हैं सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप की क्वेरी थोड़ी सी डरावनी लग रही है ना, करवाऊंगा तो मजा आएगा करने में। ठीक है, तो सेकंड टाइप की क्वेरी है, बोल रहा है लेफ्ट से राइट मतलब फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स, तो मतलब ई से सी की बात कर रहा है वो। मैं पहले मैं ई सी को ऑब्जर्वेशन में ले लेता हूँ, ई से सी पे बात कर रहा है, बोल रहा है सेकंड लेक्सोग्राफिकली सबसे बड़ी स्ट्रिंग ला के दो मुझे। तो ठीक है, मैंने कहा ई सी को सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, तो ई सी मेरा क्या हो जाएगा, सी और ई। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ई है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट होगी सी। तो हमने क्या रिटर्न करा दिया, सी। ये ओवरऑल हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ही कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेहनत करी क्वेश्चन स्टेटमेंट पे, जनरली मैं नहीं करता। ठीक है, जनरली मैं कह देता हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। देखो सीरियस, अब सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ओके, मजाक मस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि
हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो हम कहेंगे कि यार यही तो सबसे बड़ा टास्क है। तो हम कहेंगे देखो जो जो हमें समझ में आता है हम वो कोड करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मेरे को कैरेक्टर, मेरे को सबसे पहले जो भी चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए, मुझे ये दिख जाता है कि रिटर्न टाइप का है, तो मैं वो रिटर्न टाइप का एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी यही करा करें, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए, आंसर वेरिएबल जरूर बना लें, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, दिल को ऐसे सुकून मिलता है कि ओ हो हमने कुछ तो बना लिया है, ओके। देन उसके बाद हम आंसर पे आए। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता लगाना है कि क्वेरी का क्या टाइप है, ठीक है। तो क्वेरी का टाइप निकालते हैं, लेकिन हमें सब कुछ स्ट्रिंग टाइप में दिया है, हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्वेरी नंबर, क्वेरी नंबर कैसे आएगा वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम हर के लिए अलग अलग निकालेंगे ना। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले लेंथ निकाल लेता हूँ, क्या लेंथ हमें दी है, ये हमें लेंथ दी है क्वेरी इसकी, तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है। तो फॉर हम सीधे सीधे अपने उसमें ट्रावर्स करते हैं, किसमें, अपने इस क्वेरीज वाले एरे में, ठीक है। चेंजेस तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और हमें क्यूज की लेंथ दी है ना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्वेरीज ऑफ लेंथ क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्यू क्यू तक जाएंगे हम, ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे, ओके। हम अभी क्वेरीज वाले एरे में ट्रावर्स कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा मेन एरे है, ठीक है। बाकी तो हमें जो चेंजेस करने हैं वो, ओ भाई भाई, यस, वो तो हमें इस एसटीआर में करना है ना, वो तो हम कर ले जाएंगे। अच्छा आप जरा समझो, हम यहाँ आ गए, यहाँ आते ही हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा जी हम यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें, ठीक है। तो वो काम क्या है, वो काम है, अरे यार मार खाएगा अभी मुझसे, ठीक है। हाँ ये कर लो पहले तुम, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब दिख रहा है हमें, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। तो हम इस क्वेरीज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेरीज में से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अपने इंडेक्स को। इंडेक्स हमारा 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, देखो अभी मैं क्वेरीज में हूँ, क्वेरीज के आई थे इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। और मैं पर्टिकुलरली जाना चाहता हूँ उस 0th इंडेक्स पर, ठीक है। तो क्योंकि उसी पर हमें इंडेक्स मिलेगा, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। जैसे देखो ये ध्यान से, इस इनपुट को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, पैरेलली मैं इसका भी इसी को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहें साथ साथ में। देखो इसको एग्जामिन करते हैं हम जरा, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है। तो मैं अभी आई थे इंडेक्स ये है हमारा, मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, अब मैं 0th इंडेक्स के 1 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 1 मतलब 0th इंडेक्स पर जाना चाहता हूँ, 0th इंडेक्स के 0th इंडेक्स पर, इसीलिए मैंने ये लिखा। तो हमें इंडेक्स मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि ये जो चीज आएगी ये स्ट्रिंग टाइप की आएगी, तो इसीलिए मेरे को इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग टू इंटीजर, बात खत्म, ठीक है, इंडेक्स आ गया हमारे पास, ओके। देन नेक्स्ट हमें क्या देगा वो, हमें क्वेरी नंबर आया हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट वो देगा हमें इंडेक्स, और ये सब तो देगा ही, लेकिन अब हमें क्वेरी इंडेक्स पर खेलना पड़ेगा गेम। हम कहेंगे अगर क्वेरी इंडेक्स हमारा 1 होता है तो भाई साहब ये करना, और अगर उसके अलावा 2 ही होगा तो ये करना, ठीक है। इफ एल्स हमने यहाँ पे रख दिया है, ओके। अब देखते कैसे करेंगे, अगर क्वेरी इंडेक्स 1 होता है तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स निकाल लेंगे, सबसे आसान काम तो यही है कि हम कहेंगे स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि वो भी हमें एक स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा। हम कहेंगे क्वेरीज में जाओ, क्वेरीज की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, आपने बता दिया, हमने कहा ओके, और हम उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा कि किस इंडेक्स से रिप्लेस करना है। मैंने कहा अरे वाह बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने कहा सेकेंड इंडेक्स। तो ये देखो ना, ये हमारा 0th इंडेक्स था आई जिस पर अभी हम खड़े हैं, और उसका सेकेंड इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स 0 था, अगर 0 बेस इंडेक्सिंग लोगे तो वो फर्स्ट इंडेक्स ही तो हुआ, ठीक है, तो उससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा, ओके। देन हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर उस इंडेक्स पर जाकर। तो हम कहेंगे एसटीआर के इस इंडेक्स पर जाओ, ठीक है, और जो भी कैरेक्टर हमें मिलेगा उसको रख दो, लेकिन कैरेक्टर तो आपने निकाला ही नहीं भैया। मैंने कहा अरे यार बिल्कुल सही कह रहे हो, तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर सी एच इज इक्वल्स टू, उसको स्ट्रिंग में रहने दो, उसको कैरेक्टर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेरीज ऑफ आई के सेकेंड में आपको वो मिल जाएगा, देखो ये क्वेरीज ऑफ आई के सेकेंड में है ना, तो ये हमें मिल गया कैरेक्टर। अब हम कहेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स पे जाके इस कैरेक्टर को रख देना, इफ का काम खत्म। पहली क्वेरी तो इतनी आसान है, इसको हटा दो, हमने पढ़ लिया इसे, ही। जो सबसे टफ काम है वो, टफ तो नहीं कहूंगा, मतलब जो इंटरेस्टिंग काम है वो हमारा एल्स केस है। अब एल्स केस में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें लेफ्ट निकालना है, तो हम लेफ्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, यही हमारा लेफ्ट है ना, तो हमने ये लेफ्ट निकाल लिया। जो लेफ्ट है वो कैसे आएगा, क्वेरीज ऑफ आई पे जाके क्या करो भाई साहब, कैरेक्टर गलत निकाला है क्या हमने बेटा, ये जो कैरेक्टर है इसका भी 0th इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कैरेक्टर गलत निकाला है क्यों, देखो मैं बैक करूं, हाँ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा बैक हो जाएगा, नहीं नहीं ज्यादा नहीं हुआ। देखो
अभी हम इसके अंदर थे, थर्ड इंडेक्स पे तो ये मिलेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है ना, तो हम कहेंगे थर्ड इंडेक्स के भी जीरोथ इंडेक्स को वाली डी है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आयत इंडेक्स के सेकंड इंडेक्स पर पड़ा है, लेकिन उस सेकंड इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, तो उसका जीरोथ इंडेक्स चाहिए हमें। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा वो उठकर आ रहा था और उसे हमने कन्वर्ट कर लिया था इंटीजर में स्ट्रिंग टू आई से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वो कैरेक्टर चाहिए, इसलिए हमने आई लिखा। ओके नाउ अब हम इसको रिमूव कर देंगे, ये तो हमारा काम हो गया, फर्स्ट क्वेरी का हमने सारा लिख लिया। अब हमें सेकंड क्वेरी पे बात करनी है। सेकंड क्वेरी हमें सबसे पहला नंबर ये लेफ्ट है, हम लेफ्ट निकाल लेते हैं। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू इंटीजर क्वेरीज ऑफ आई का फर्स्ट, आपने कहा ओके। देन हम कहेंगे कि ठीक है राइट निकाल लो, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर क्वेरीज ऑफ आई का सेकेंड, आपने कहा अगेन ठीक है। देन ये जो चीज है हमारी, ये है कितना वो कौन सा हमें kth कैरेक्टर चाहिए, लार्जेस्ट कौन सा kth कैरेक्टर चाहिए, तो इंट के जो है वो हमारा कितना है, स्ट्रिंग टू इंटीजर ठीक है क्वेरीज ऑफ आई का 3। आई होप ये समझ में आया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें आपसे थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करना है, ये हम कैसे करेंगे। देखो मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें kth लार्जेस्ट इंटीजर निकाल के पुश करना है ना, तो मैं एक सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका साइज ऑफ कोर्स 26 होगा, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स होते हैं और सबको इनिशियली मैं इनिशियलाइज करूंगा जीरो से, ठीक है। सारे एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया मैंने 26 साइज का, जिसके सारे इंडेक्सेस पर मैंने जीरो रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फॉर लूप को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू लेफ्ट से, मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और राइट तक इंक्लूसिव बोला इसलिए लेस देन इक्वल टू जा रहा हूँ, और आई प्लस प्लस करूंगा। आप कहेंगे आई तो ऊपर भी आपने मेन फॉर लूप आई से तो स्टार्ट किया, मैंने कहा अरे आप तो नाइस ऑब्जर्वेशन करते हो जी, ठीक है, तो अब तो ऑब्जर्वेशन के बाद सा हो जी। तो इस तरीके से फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू ये करा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं कहूंगा कि पहले एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। वो एलिमेंट कैसे आएगा, एस टी आर ऑफ आई से हमें एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें सारा काम तो एस टी आर पे करना है। देखो ये हमने क्यों किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना मैं रिकॉर्ड रख सकूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही स्ट्रिंग थी हमारी, अब जब फर्स्ट ऑपरेशन हो गया इस पे, तो ये स्ट्रिंग क्या बन चुकी है, हमारी बी डी बी बन चुकी है, ठीक है। तो हमारी बी डी बी पे ये वाला ऊपर वाला ऑपरेशन हो रहा है बी डी बी पे, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे में बी के अंदर 2 स्टोर करना चाहता हूँ, और मैं डी के अंदर क्या स्टोर करना चाहता हूँ, 1। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले वो एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स पे जाके, मतलब उस एलिमेंट को ही इंडेक्स मानते हुए, क्योंकि वो जो एलिमेंट निकलेगा वो स्ट्रिंग निकला है तो माइनस करना पड़ेगा उसमें से स्मॉल ए, ठीक है। तो हमें एक इंडेक्स मिलेगा, ये तो आता होगा जिसने ट्राई किया हुआ है, भाई साहब प्लीज ये तो आना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें एक कैरेक्टर मिला, ठीक है, उसमें से हमने कहा ए को माइनस कर दो। अब एक नंबर ही होगा एस्काई कोड, ठीक है, एस्काई कोड में से ए छोटे को माइनस कर दिया, तो उसका वो एक नंबर होगा पूरा, उसको हमने एलिमेंट में स्टोर कर दिया। अब हम कहेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके, इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर देना, क्योंकि हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है, तो वो रिकॉर्ड रख लेगा फ्रीक्वेंसी एरे की, अच्छा, बी 2 बार आया है ओके, और डी 1 बार आया है ओके, तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड रख लेगा, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस चेक कर लेंगे कि भाई साहब kth लार्जेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत आसान काम है। हम कहेंगे एक कैरेक्टर सी एच हम एक सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं ऊपर, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी पास करेंगे और के पास करेंगे, और जो भी यहाँ से हमारा आंसर आएगा उसको हम सीधे के सीधे पुश बैक कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। पुश बैक की स्पेलिंग सही से सी एच, ठीक है, ये करना है हमें, और फिर हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे आंसर को, ठीक है। अब ये सॉल्व फंक्शन हमें लिखना है। देखो सॉल्व फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप कैर सी एच, कैर सी एच है, तो कैर सॉल्व फंक्शन होगा, वो एक क्या ले रहा है, फ्रीक्वेंसी एरे ले रहा है जो हमने नीचे बनाया, और साथ साथ में क्या ले रहा है वो, इंट के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे आते ही काउंट करेंगे जीरो से, और मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को kth लार्जेस्ट चाहिए ना, तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करूंगा। इंट आई इज इक्वल 25, 26 नहीं, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, मैं कहूंगा कुछ नहीं, पहले काउंट में प्लस कर दो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी आई है उसको, ठीक है, उसको प्लस कर दो सिंपल। और अगर ये फ्रीक्वेंसी, इफ काउंट जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे kth लार्जेस्ट से बड़ी या बराबर हो जाती है, तो उस समय पर आप सिंपली क्या रिटर्न करा दो, क्योंकि हमें वो इंडेक्स रिटर्न कराना है पर्टिकुलर किसका, कैरेक्टर का। तो देखो आप चाहो तो सिंपली क्या रिटर्न करा सकते हो, आई रिटर्न करा सकते हो, लेकिन ये इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा,
ठीक है, जैसे मान लो हमारा इस ऑब्जर्वेशन में जो kth लार्जेस्ट हमें चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो डी है हमारा, लास्ट से स्टार्ट होगा ना, तो वो डी पे आके काउंट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, मतलब डी को वन काउंट पे वन स्टोर हो जाएगा, वो चेक करेगा वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और वो कहेगा कंडीशन सही है तो रिटर्न करा दो वन। लेकिन वन कोई कैरेक्टर नहीं है, तो उसको कैरेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस ये रिटर्न करेंगे, समझ में आया, ताकि ये क्या बन जाए, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर बन जाए। अब ये इंडेक्स जो भी शो करेगा वो इंडेक्स होगा तुम्हारे डी का, ठीक है, ये फॉर लूप में इफ लिख दिया बस इतना ही है। और अगर ऐसा कुछ ना मिले तो कुछ भी रिटर्न करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्लैश रिटर्न करा दूं, डॉट रिटर्न करा दूं, मतलब स्लैश रिटर्न करा दो, चलो ठीक है। ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का कोड का फ्लो है। एक बार मैं रन एंड कंपाइल करता हूँ, फिर रन एंड कंपाइल हो जाना चाहिए, फिर मैं कोड एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मेरे दिल ने कैसे सुन ली बातें मेरे दिमाग की, हो गया केमिकल रिएक्शन। मेरे दिल ने कैसे सुन ली बातें मेरे दिमाग की, हो गया केमिकल रिएक्शन, हो गया केमिकल रिएक्शन। कह रहा बी डी बी, ओके आपने कुछ गलती करी है। मैंने कहा ठीक है, एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं, और हमने जहां गलती करी है हम सुधार लेंगे उसको। देखो सबसे पहले हमने एक वेक्टर ऑफ आंसर बनाया, और उसको मैंने जीरो से लेकर क्यू तक जाने को कहा, जो भी इसका साइज था इस क्वेरी, इस एरे का आई प्लस प्लस। फिर मैंने आते ही क्वेरी नंबर निकाल लिया, वो हमारा क्वेरी ऑफ आई के जीरो इंडेक्स पर पड़ा होगा, चाहे वो क्वेरी वन है या टू है। फिर मैंने कहा कि ये क्वेरी नंबर वन है, आओ इसके इंडेक्स निकालो। इंडेक्स कैसे निकलेगा, स्ट्रिंग टू आई, इंडेक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट पे पोजीशन पे, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो मैं क्वेरीज के आई पे वन पे जाके स्टोर कर लिया हूँ, ठीक है। फिर कैरेक्टर ऑफ सी एच क्वेरीज ऑफ आई टू जीरो, तो बिल्कुल सही, देखो ये हमारा आई एथ उसके सेकेंड इंडेक्स पर हमारा कैरेक्टर पड़ा है, और उसका जीरो था, हमें कैरेक्टर चाहिए। फिर हमने अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू सी एच कर दिया, ओके। देन हमने क्या किया, हमने कहा कि इंट लेफ्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू आई, पहले लेफ्ट निकाल लो, तो लेफ्ट हमारा बिल्कुल सही आईएथ के वन पे पड़ा है, राइट हमारा आईएथ के टू पे पड़ा है, और जो हमारी के की वैल्यू है वो आईएथ के टू पे पड़ी है। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, यहाँ टू पे नहीं थ्री पे पड़ी है, ठीक है, ये हमने गड़बड़ करी है। देन हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, जिसमें हमने कहा कि हम रिकॉर्ड रखेंगे कि कितने जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं, फॉर एग्जाम्पल बी काउंट क्या है, बी बी कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बी की, सी कितनी है, डी कितनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वो फ्रीक्वेंसी कैसे करूंगा, लेफ्ट से राइट इंक्लूसिव होना चाहिए, एलिमेंट का मैंने इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है, इंडेक्स पर्टिकुलरली जीरो से निकाला है, ठीक है, तभी मैंने माइनस ए करा, और मैंने उस अपने फ्रीक्वेंसी एरे में जाकर उसको प्लस प्लस कर दिया। फिर मैंने एक सॉल्व फंक्शन कॉल करा, सॉल्व फंक्शन में मैंने बस एक काउंट रख के चेक करा है लास्ट से, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, तो जेड से फिर वो चेक करेगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू है ना, फिर इस तरीके से, मेरे को याद भी नहीं आ रही उल्टी, ए बी सी डी, काका गागा भी नहीं आती, ठीक है, तो ये घमंड वाली बात नहीं है, ये दुख वाली बात है, ओके याद कर लूंगा मैं, फिर सुना लूंगा। देन उसके बाद 25 लास्ट से स्टार्ट करा, और जीरो इंडेक्स तक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बस यहाँ पे कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में प्लस करते जाओ, काउंट में प्लस करते जाओ फ्रीक्वेंसी को, कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि काउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए, तो उस समय पे आई रिटर्न कर देना इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स तो कोई फायदा नहीं है, मान लो हमारा बी था, बी के केस में वो रिटर्न करेगा, डी के केस में जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है, लेकिन वो आई रिटर्न करेगा जो भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वो करेक्टर का इंडेक्स, तो इसीलिए उसमें प्लस ए करना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स निकालने के लिए माइनस ए किया था, और इंडेक्स को वापस स्टेबलाइज करने के लिए हमें प्लस ए करना पड़ेगा। हमने रिटर्न कराया, यहाँ से स्लैश हुआ, अब जो भी करेक्टर आया है उसको आंसर में पुश कर दो, अब हम कंपाइल एंड रन करते हैं, अब चल जाना चाहिए। नहीं नहीं गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से हम एक और बार देखेंगे इस कोड को कि हमने कहाँ गलती करी है। देखो ये जो है हमारा क्वेरीज डॉट साइज, ये है ओके, ठीक है, वो कह रहे हैं हमें स्ट्रिंग टू आई क्वेरीज आई ऑफ जीरो हमने निकाल लिया, ठीक है, आई इज इक्वल टू वन इंडेक्स निकाला हमने, स्ट्रिंग टू आई क्वेरीज आई ऑफ वन कैरेक्टर हमने क्वेरीज ऑफ आई ऑफ टू जीरो, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है, 0 1 2 ओके। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेरीज ऑफ आई वन क्वेरीज ऑफ आई टू क्वेरीज ऑफ आई थ्री फ्रीक्वेंसी जीरो
लेफ्ट से जे प्लस प्लस किया। अच्छा यहाँ बेवकूफी कर रहे हैं ना हम, यहाँ स्ट्रिंग ऑफ आई नहीं स्ट्रिंग ऑफ जे, ठीक है, क्योंकि आई तो मेन फॉर लूप का है ना, ये सब फॉर लूप का, तो हमारा जे आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है सबमिट करते हैं, तो चल जा भाई। ओके चल गया ये, ठीक है आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है सबमिट हो गए। ओके काफी सुंदर क्वेश्चन था, थोड़ा वक्त लगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन समझ में आया होगा जरूर, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं आया तो पूछो, ठीक है, और बस कोडिंग करते रहो, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय, एंजॉय एवरी क्वेश्चन, ठीक है, एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड हेल्थ, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड डे, बाय।